साथियों, अमरोहा और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी जन अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3000 रुपए में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है अमेरिका में? कितने में मिलती है? 3000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था। लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। एक समय था जब यूपी में धड़ाधड़ चीनी मिलें बंद हो रही थी, जबकि हम हसनपुर शुगर मिल की क्षमता दोगुनी करने पर काम कर रहे हैं। यहां अमरोहा में इथेनॉल का प्लांट भी लगाया है। अमरोहा के आम का स्वाद भी किसानों के लिए समृद्धि लाए। हमारी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। आम की प्रोसेसिंग के लिए यहां मैंगो पैक हाउस का निर्माण किया गया है।